Hello friends, thank you for visiting my YouTube channel. So in this video I will show you how to make a protein bar in home. So let's see. की जरूरत है हमको प्रोटीन बार बनाने के लिए. तो ये है पीनट बटर, ये है हनी ओटमील दूध और दो स्कूप ऑफ प्रोटीन बार. मेरे पास है चॉकलेट फ्लेवर, देख सकते हो आप, जैसे कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं बनाने की रेसिपी. स्टेप नंबर वन है ओटमील और चॉकलेट प्रोटीन. तो हमने इस समय डाल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं. और ये दूसरे बाउल की ज़रूरत हमें दूसरे स्टेप में पड़ेगी. सो दूसरा स्टेप जो हमारा है, इसके अंदर हमने डाला हुआ है पीनट बटर और एक चौथाई कप या एक 1/5 ऑफ मिल्क, देख सकते हो आप, जैसे कि ये डाला हुआ है. और एक चम्मच हनी का डाला हुआ है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो हनी. तो जो ये हमारा वेट मिक्सचर है, हमको ड्राई मिक्सचर में डालना है और मिलाना है. मिलाने के बाद कुछ ये ऐसा हो गया है, हमने इसमें वेट और ड्राई मिक्सचर दोनों डाल के ऐसा कुछ बना है, ये देखिए आप. अब इसको हमको किसी एक कंटेनर में डालना है फॉर शेप. अगर आप पे कोई भी कंटेनर नहीं है तो कोई भी आप कुछ भी ऐसा मोल्ड ले सकते हो जिससे कि ये स्क्वायर शेप मिले. सो लेट मी कंटेनर में डालने के बाद और शेप देने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा. तो ये आपका बनने के बाद आप इसको फ्रीज में डालेंगे और 30 मिनट इंतज़ार करेंगे इसके ठंडे होने के लिए. डालते हैं वही 30 मिनट्स. That's all for today's video. Hope you enjoy this video.